Welcome back, student. In the last lecture, we discussed about the modifications of leaf, जिसमें हमने tendril के बारे में study की थी. Now today we are going to start leaflet hook, the next modification of leaf. Heading डाल दीजिए, leaflet hook. In the case of bignonia, the terminal leaf of the compound leaf become transformed into three stiff claw-like structure, जिसको हम क्या कहते हैं, leaflet hook कहते हैं. तो लिख लीजिए, in the case of bignonia, bignonia, the terminal leaflet, the terminal leaflet, leaflet of the compound leaves become transformed formed into three claw-like structure, stiff claw-like structure. Okay, so this claw-like structure are also known as curved hook. इसको हम curved hook भी कहते हैं, और curved hook, so let us see in the diagram ये कैसे दिखाई पड़ता है. Now what is the main role of leaflet hook? It helps in the climbing of the plant. ठीक है, तो इसका एक डायग्राम देखते हैं, इसे एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे डेवलप होते हैं. नाउ लुक एट दिस प्लांट, बिग्नोनिया, एंड हियर लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है. Okay. This is also leaf. But this structure is converted into hook-like structure. Now look at this. ये ऊपर की तरफ डेवलप होके ये थ्री हुक्स लाइक सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ बिग्नोनिया. ठीक है, ये आपको बिग्नोनिया के अंदर देखने को मिलता है. ओके, okay.
से लीफलेट हुक कहते हैं, राइट। ये नॉर्मल लीफलेट है, नॉर्मल लीफलेट, ओके। दिस इज द स्टेम जहां से अराइज होते हैं। स्टेम, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ, यहां पर एडवेंटिशियस रूट भी देखे जा सकते हैं। बिग्नोनिया के केस में एडवेंटिशियस रूट्स भी देखने को मिलते हैं। दिस इज एडवेंटिशियस रूट, रूट, ओके। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बिग्नोनिया जहां पर आपको लीफलेट हुक देखने को मिलते हैं, ओके। ऐसा ही केस आपको देखने को मिलता है अकेसिया प्लांट में, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग आते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन का नाम है फिल्लोट। फिल्लोट के केस में क्या होता है कि इट इज अ फ्लैटेंड ग्रीन पेट्यूल व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फूड सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ लेमिना बिकॉज द लेटर इज एब्सेंट। यहाँ पर फिल्लोट के केस में क्या होता है कि जो पेटियोल है वो इनलार्ज हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है और लीफ की तरह काम करती है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होती है, यानी फूड का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लीफ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो लेमिना वर्क करता है एज अ लीफ। तो ये केस देखने को मिलता है आपको ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में, पर्कनसोनिया में, ठीक है। यहाँ पर एक ही पॉइंट लिखिए, द पेटियोल कन्वर्टेड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज ग्रीन इन कलर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ठीक है। तो पेटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और पूरी तरह से लीफ का काम फिल्लोक्लेड यानी पेटियोल के थ्रू होता है। इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, एग्जांपल पार्किंसोनिया, ओके। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिल्लोट। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, लीफ स्पाइन। लीव स्पाइन, नाउ द लीव पार्ट विच बिकम चेंज इन टू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ग्रेजिंग। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो लीव के पार्ट से डेवलप होती है। और लीव स्पाइन, the leaf part become or transformed into spine like structure which is feel or seems to be protection।
कि ये प्लांट का प्रोटेक्शन करते हैं, बट ऐसा नहीं है। द लीफ का, अगर लीफ का कन्वर्जन हो रहा है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनको ग्रीज करने के लिए एनिमल्स आते हैं, उनमें कन्वर्जन क्यों नहीं होता? ठीक है, सो द मेन थिंग इज़ दैट द कन्वर्जन ऑफ लीफ इनटू स्पाइनी स्ट्रक्चर इज़ टू सेव द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ये वाटर के ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, दैट इज़ वाई। क्योंकि ऐसे केसेस ज़्यादातर आपको मिलते हैं ज़ीरो फिटिक कंडीशन में। ठीक है, तो लीफ स्पाइन का एग्जाम्पल है एलोवेरा। एलोवेरा नेक्स्ट अपंसिया, नेक्स्ट एस्परेगस। अब देखिए ज़्यादातर ये ज़ीरोफिटिक प्लांट ही हैं जो म्यूकस और वाटर का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट लीफ ब्लैडर्स। अपंसिया का तो एग्जांपल ये सामने ही है, यू कैन सी लाइक दैट, इस तरह से स्पाइनी स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, थर्ड लीफ ब्लैडर, some part of the leaf are modified into sac like structure which is known as bladder, and this structure used for trapping. Okay, such structure is used for trapping and digesting. So let us make a draw diagram of leaf bladder. It is a quite interesting modification. You can see this is a leafy structure, और ये किस तरह से मॉडिफाई हो रही है। Okay? Now this structure is converted into sac or bag like structure. ठीक है, bag like structure, ठीक है, now you can see here lid black structure, दिस इज़ अ प्योर लीफ। आपको पूरा लीफ की तरह अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। एंड द अपर पार्ट कन्वर्ट इंटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं लीफ एपेक्स। जो कि यहाँ पर लीड का काम कर रहा है, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी लीफ जैसा ही होता है। ठीक है, और उसके बाद चारों तरफ ये जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है
इसको हम रिम कहते हैं। रिम, ओके। देन ये स्ट्रक्चर, इसको हम स्टाक कहते हैं, जिसको टेक्निकली ये पेट्यूल है, स्टाक, जिसको हम पेट्यूल कहते हैं। ओके, और ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको जो लैमिना है वो कन्वर्ट हो जाती है पिचर लाइक स्ट्रक्चर। इसको यहां पर पिचर ही कहेंगे, जो कि लैमिना का मॉडिफिकेशन है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू ब्लैडर लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ फ्लैटेंड लीफ, फ्लैटेंड लीफ, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है एक पिचर प्लांट का, जिसको हम निपेंथीज कहते हैं। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है जस्ट आफ्टर दैट, लीप ब्लैडर के बाद आता है सर्कुलेंट लीव्स। सर्कुलेंट लीव्स, द सर्कुलेंट लीव्स आर फ्लैसी एंड स्वॉलन, ठीक है, एंड दे स्टोर वाटर एंड म्यूसिलेज फॉर फूड सब्सटेंसेस। ये ज्यादातर जीरोफिटिक प्लांट्स में देखे जाते हैं। सो इन द केस ऑफ सैकुलेंट्स, द सैकुलेंट्स लीव्स आर वेरी फ्लैसी स्वॉलन एंड दे स्टोर वाटर एंड म्यूसिलेज फॉर द फूड और फूड सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल है जीरोफिटिक प्लांट्स जैसे ब्रायोफिलम, एलोवेरा, पॉटुलेका, लाइक दैट। तो इट इज लाइक दैट, आई कैन ड्रॉ दिस डायग्राम हियर। इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं सैकुलेंट्स, उनके स्टेम फ्लैसी होते हैं या लीव्स जो हैं फ्लैसी पाए जाते हैं। बीच बीच में इस तरह के स्पेसेस होते हैं जहाँ पर स्पाइनी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ते हैं, मिडिल में भी स्पाइनी स्ट्रक्चर दिखा देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रीन और फ्लैसी होते हैं और स्पाइन भी पाए जाते हैं। स्पिन जो उसमें स्पाइन पाए जाते हैं ज़्यादातर ग्रुप्स में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल सैकुलेंट में आता है एलोवेरा, पाचुलाका, एंड ब्रायोफिलम। ओके, ब्रायोफिलम में स्पाइंस नहीं पाए जाते, बट इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सैकुलेंट लीव्स। नेक्स्ट आता है स्केली लीव्स, हेडिंग डाल दीजिए स्केली लीव। पहले लिख दीजिए स्केली लीव। स्केली लीव्स आर वेरी स्मॉल, ड्राई, वाइटिश या ब्राउनिश इन कलर। ये मेम्ब्रेनस होते हैं, जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली जैसे। विच डू नॉट टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट नहीं करते।
इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे आर वेरी स्मॉल, स्मॉल नॉन ग्रीन membranous sometime whitish or brownish in color. ठीक है, नॉन ग्रीन होते हैं, व्हाइटिस ब्राउनिश होते हैं, ठीक है, एंड ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं करते क्योंकि ये नॉन ग्रीन होते हैं. इसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल रस्कस एंड कैजुराइना. रस्कस, ओके. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कलर्ड लीफ. नेक्स्ट यानी नाइन्थ, कलर्ड लीफ. ओके, सो आपने काफ़ी एग्जांपल देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे वेरीगेटेड लीव्स वाले पाए जाते हैं. कभी कभी आप जब प्लांट लेने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीव्स दिखाई पड़ते हैं जो रेड, येलो या डिफरेंट कलर के हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीन. तो ऐसे लीव्स को हम कलर्ड लीफ कहते हैं. ठीक है, ख़ास तौर से करोटन की लीफ आपने देखी होगी तो उसमें बहुत सारे स्पॉट्स पाए जाते हैं, कलरफुल. तो यूफोर्बिया फैमिली के मेंबर्स में द लीफ बॉर्न नियर द साइथियम आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन. तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें लीफ प्लांट को अट्रैक्ट करने में और पॉलिनेशन में हेल्प करती है. तो यूफोर्बिया पल्चेमेरिया के केस में ये देखने को मिलता है. लिख लीजिए, इन यूफोर्बिया, फोर्बिया स्पीसीज का नाम लिख लीजिए, पल्ची मेरिया. The leaves born near the leaves born near the leaf which is born near the scythium is brightly colored. ठीक है, are brightly colored. So, this leaf, जो colored leaf है वो किस लिए participate करते हैं, ये colorful क्यों होता है? To attract the insect. To attract the insect for pollination. Okay? यहाँ पर जो फ्लावर का रोल है वो लीफ के थ्रू हो जाता है और ये इनसेक्ट को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. एंड द लास्ट इज फ्लैसी लीफ. फ्लैसी लीफ के केस में दो एग्जांपल काफ़ी पॉपुलर हैं और हर घर में पाए जाते हैं. तो पहले हेडिंग डाल दीजिए, फ्लैसी लीफ, फ्लैसी लीफ. फ्लैसी लीफ का एग्जांपल ऑनियन और गार्लिक का है. एग्जाम्पल ऑनियन, गार्लिक एटसेट्रा. ओके, तो दीज आर सर्टेन मॉडिफिकेशन विच इज फाउंड इन द प्लांट्स, प्लांट लीफ.